मुल्क भर में महंगाई का तूफान, सब्जियों की कीमतें आसमान पर। मुर्गी का गोश्त 15 रुपए इजाफे के साथ 235 रुपए फी किलो में फरोख, जबकि टमाटर 140 रुपए में फरोख। खाने पीने की अशिया के बढ़ते दाम, यूटिलिटी स्टोर्स पर दालें 27 रुपए फी किलो तक महंगी। चावल के दाम 25 रुपए फी किलो बढ़ गए। 20 किलो आटे का थैला भी 80 रुपए महंगा हो गया। वज़ीर-ए-आज़म के रिलीफ पैकेज से पहले महंगाई का तूफान, महंगाई ने जीना हराम कर दिया। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमत में 15 रुपए फी किलो इजाफा हो गया, जबकि टमाटर आम मार्केट में 140 रुपए में फरोख्त होने लगा है। 2019 के दिसंबर के आखिरी दिनों में महंगाई का जोर नहीं टूट सका है। दुकानदार और ग्राहक के दरमियान तकरार उरूज पर है। टमाटर की सेंचुरी टूट न सकी, उसका रिकॉर्ड कायम है। इसी तरह आलू और प्याज की कीमतों में सिर्फ 2 रुपए की कमी देखी गई है। आलू की कीमत में 2 रुपए कमी के साथ 44 रुपए से 42 रुपए हो गया है, जबकि प्याज की कीमत 68 रुपए से कम होकर 66 रुपए फी किलो हो गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर दालें 27 रुपए फी किलो तक महंगी हुई हैं। चावल के दाम 25 रुपए फी किलो बढ़ गए हैं। 20 किलो आटे का थैला भी 80 रुपए महंगा हो गया।